आज कालिम्पोङ जिल्लामा भारतीय जनता पार्टीको चुनावी जनसभाको आयोजना गरिएको खबर प्राप्त गरिएको छ, जसमा भारतीय जनता पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहले सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। केनासीले गोर्खाको आपत्ति आती है, मैं स्पष्ट करने आया हूं, मुझसे भी सवाया कोई हिंदुस्तानी है, मुझसे भी अधिक कोई हिंदुस्तानी है, तो मेरा गोरखा भाई है, इसको कभी देश के बाहर कोई नहीं है। सैकड़ों युद्धों के अंदर वीरता के साथ लड़कर मां भारती के लिए खून बहाने वाली ये वीर पराक्रमी गोरखा जाति को कौन विदेशी कह सकता है। ममता दीदी, आप मत बताइए उनको, मैं कहना चाहता हूं, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, गोरखाओं तो डरने की जरूरत जरा भी नहीं है। इसके अलावे भी जितने हिंदू सिख बौद्ध जैन और क्रिश्चियन आसपास के देश से आए हैं, वो शरणार्थी है, सबको इस देश की नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। यदि आपकी इच्छा नहीं है कि गोरखा भाइयों को, शरणार्थी हिंदू भाइयों को, शरणार्थी माइनॉरिटी को नागरिकता मिले, इसलिए जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया आपने राज्यसभा में इसका विरोध किया, मगर आपका विरोध अब बहुत चलने वाला नहीं। 2020 में राज्यसभा में भी भाजपा का बहुमत होने जा रहा है। दीदी काम को न सिर्फ ये पहाड़ियां, पूरे बंगाल के अंदर जितने भी शरणार्थी आए हैं बांग्लादेश से, चाहे वो गोरखा हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, नेपाल से कोई आया है, इस सारे लोगों को नागरिकता देने का काम इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल करने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला कि पूरे देश भर के अंदर चुनाव चल रहा है, पूरे देश भर के अंदर नई सरकार चुनने का एक माहौल। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात तक पूरे देश में घूमते 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 आज ये पहाड़ियों की चोटी पर आया। मैं जहां पर भी गया एक ही नारा लगता है, मोदी 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 मोदी। और ये मोदी मोदी का जो नारा लगता है वो बताता है कि देश की जनता तय कर चुकी है, इस देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप लोगों का क्या फैसला है, जरा जोर से बोलो, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? जरा जोर से बोलो कौन होगा, और जोर से बोलो कौन होगा। यही आवाज पूरे देश के अंदर आती है, क्योंकि जो दो खेमे पड़े हैं, एक और देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी ओर सत्ता के लिए एकत्रित आए हुए स्वार्थियों का टोला। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, आप कह तो रही हो कि गठबंधन को वोट दो, गठबंधन को वोट दो, गठबंधन को वोट दो, आपका गठबंधन किसके पास है, किसके साथ है? कांग्रेस भी आपके खिलाफ लड़ रही है, कम्युनिस्ट भी आपसे परेशान है, ममता जी के साथ कोई खड़ा रहने को तैयार नहीं। मित्रों, उनका ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, ये देश का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? ये केवल और केवल भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता चाहते हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता चाहते हैं, जातिवाद और परिवारवाद के लिए सत्ता।